ये वीडियो कैमरा वालों के पास सीट नहीं है, खड़े हुए बेचारे. अब बैठ जाओ, बहुत सीटें खाली हैं पीछे. ऐसे कैमरा हाथ में लेके बैठे. वेलकम एवरीवन, बहन के मामाओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. मेरा नाम सुनील ग्रोवर है और मैं भरा पूरा मर्द हूँ. साड़ी वाड़ी मैं ऐसे ही पहन लेता हूँ, लेकिन तमाम लड़कियाँ जितनी भी खूबसूरत हैं साली इस बात पर ताली मारेंगी. जो लड़कियाँ खूबसूरत हैं, जो इनको लगता मैं खूबसूरत नहीं हूँ, वो नहीं, ऐसे कुछ नहीं करें. अरे आप खूबसूरत हैं, आपको घमंडी बहुत है आपको तो. ओके, मैं आई एम प्राउड टू टेल यू दैट या आई एम डूइंग अ फिल्म या एंड दैट और नॉट अ ABCD फिल्म. इट इज डायरेक्टेड बाय मिस्टर विशाल भारद्वाज. या यू नो इट्स अ विशाल भारद्वाज फिल्म आई एम डूइंग. ये हम एक्टर्स के लिए बहुत गर्व की बात होती है ऐसा कहना कि मैं यू नो विशाल भारद्वाज. या कहने में बड़ा मज़ा आता है एक्टर्स के लिए. सर यहीं बैठे हुए हैं. सर ये सच है, जब आपका फ़ोन आया ना मुझे कि हेलो सुनील मैं विशाल बोल रहा हूँ, तो मैंने एक्साइटमेंट दबा के रखी थी बेटा आपको. मैं कहा अरे सर हेलो, मेरा मन ऐसे करता हेलो सर. अंदर से मेरा मन ऐसा था. तो आपने कहा सुनील एक बहुत अच्छा कैरेक्टर, बड़े समय बाद यू नो लंगड़ा त्यागी जैसा कुछ पॉजिटिव वर्जन उसका कुछ है, तो तुम मैं चाहता हूँ तुम करो करना. तो मैं कहता हूँ लंगड़ा लूला कैसा काना कोई भी त्यागी होता मैं कर लेता, आपका फोन आया था. बट आई वॉज वेरी एक्साइटेड और मेरा मन कह रहा था हाँ मैं करूँगा करूँगा, अंदर से मेरी ऐसी आवाज़ थी. लेकिन मैंने कहा यस सर आई विल कम. बहुत दबाई थी, बट थैंक यू सो मच सर. आई फील ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ अ विशाल भारद्वाज फिल्म. या एंड थैंक यू सो मच सर for giving me this wonderful opportunity and thank you everybody for being here and yeah it's a 70mm film yeah so I am there. I'm playing a character jiska naam hai dipper aur iski ye dipper isliye main bata sakta hu sir story suna do sari. आप अच्छे मूड में लग रहे हैं मुझे. नहीं तो सेट पे तो अरे एक बार सर मैं अभी शेयर करना चाहता हूँ, एक बार आपको बुरा ना लगे इस बात का. सेट पे हम लोग याद है सान्या सान्या राधिका बैठे, हम लोग तीनों का सीक्वेंस था. मैं गुब्बारे लेके भाग रहा था. ओके आप मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे, तो सर तो थोड़ा सा डिस्टेंस था और वो हाई स्पीड शॉट था. तो मैं सर बैठे हुए थे और वो सनसेट हो रहा था, मतलब वो सीन तभी के तभी शूट करना था, टाइम बहुत कम था. तो सर ने सर से पूछा, मैंने कहा सर मैं आते आते कुछ बीच में कुछ फनी करूं. हाँ सुनील फिल्म इज फनी, यू हैव टू, व्हाट इज देयर टू आस्क. ऐसा दिल बैठा ना मेरा तो लगा सूरज अभी डूब जाए. हाँ बीच में आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई डिड आई आस्क द क्वेश्चन, आई डिडंट नो, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया. लेकिन बहुत ही खूबसूरत डायलॉग है सर. डायलॉग क्या मैं कहूँगा, कविताएं हैं. जैसे जिस तरह के माध्यम से मैंने अभी तक काम किया, मेरा था कि कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज़ कर दो, कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल दो, बीच में कुछ अपना ऐड कर दो. पर ये एक ऐसी पोएम थी, इतने मीटर्ड में आपने डायलॉग लिखे हुए, मेरा एक भी मन नहीं करता था कि एक शब्द इधर किया तो लगता था उसका वज़न कम हो जाएगा. तो इतनी अच्छी पोइट्री मेरे मुँह से गंवाने के लिए थैंक यू सो मच. डायलॉग बड़े खूबसूरत, बहुत मज़ा आया. तो कैरेक्टर बहुत खूबसूरत है इसके अंदर. सान्या और राधिका जो दो बहनें हैं, ये लोमड़ियों की तरह लड़ती रहती हैं. यू नो इट्स अ थॉट बिहाइंड इट, ऐसे नहीं आया मैं. इट्स अ थॉट बिहाइंड दिस शर्ट. या ओके इट्स लाइक आफ्टर आई एम डूइंग अ विशाल भारद्वाज फिल्म, नो इट्स अ थॉट आफ्टर बिहाइंड एवरीथिंग. सो या सो ये दोनों कैरेक्टर हैं जो लड़ते रहते हैं. और मैं डिप्पर का कैरेक्टर, डिप्पर इसलिए गाँव वाले बुलाते हैं उसको, शहर वाले जो भी, क्योंकि उसकी आंखें ऐसे झपकती रहती हैं हर बात में. जब भी उसके दिमाग में कोई खुराफात आती है तो उसका आंखें फड़कने लगती हैं. फड़क फड़क के अखियाँ बोले, जो देखे सो बेच बावरे. कुछ भी प्रोफेशन अलग अलग चेंज होते रहते हैं जैसे आप फिल्म में देखेंगे. और बहुत सारी एक्टिंग की है मैंने पिक्चर. मैंने प्रोमो देखा, फिल्म मुझे भी अभी तक सर ने दिखाई नहीं है. बट कुछ सीन्स जो मुझे देखे मैंने डबिंग के दौरान, हल्का फुल्का जो डब किया, बहुत मज़ा आया.
and I'm very, very proud and happy to be part of this wonderful film. Aam taur pe gunda badmash ladte rehte hain, hero villain ladte rehte hain, bhaiyon mein bhi ladai hoti rehti hai, lekin do behno ki ladai ka ye jo idea hai bahut khoobsurat hai aur I am looking forward, we all are looking forward. Aur jitna trailer ki praise hui hai, किसी भी एक इंसान ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि यार सब ने बहुत अच्छी तारीफ की है एंड एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पटाखा और अब मैं शिवकाशी फैक्ट्री से इस पटाखे के फैक्ट्री के मालिक श्री विशाल भारद्वाज जी को आमंत्रित करना चाहूँगा इस फिल्म के डायरेक्टर सर मैं काम करने के बाद आपके ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ पता है मैंने जल्दी जल्दी बुला दिया थैंक यू सर तो जितना भी मज़ा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ऐसे ही हमने पूरा सेट पे किया तो ये फिल्म बनाने का जो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे और ये जर्नी जो शुरू हुई थी मैंने ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी बहुत साल पहले एक हिंदी लिटरेचर का एक साहित्य कला अकेडमी से एक बुक आती है उनकी बाय मंथली उसमें एक कहानी थी दो बहनों की और चरण सिंह पथिक करके एक राइटर हैं राजस्थान के बहुत ही ज़्यादा अच्छे राइटर तो ये उनकी कहानी थी और एक और मैं भेद खोल ही दूँ ये भी बायोपिक है सर ये इसलिए कि मिल्खा सिंह के ऊपर बायोपिक बन गई नहीं मैंने सुना धोनी भी बायोपिक दोनों की बायोपिक थी यस पर ये एक्चुअली ये दो रियल सिस्टर्स हैं चरण सिंह पथिक जी के जो दो भाई हैं वो तीन भाई हैं उनके दो भाइयों की शादी दो बहनों से हुई है और जो हमने ट्रेलर में दिखाया है कि वो शादी होके एक घर में जाती हैं तो शॉर्ट स्टोरी जो थी वो शुरू वहाँ से होती है जब वो घर में ब्याह के पहुँचती हैं तो अभी ये हमारी कहानी बहुत जो असली शॉर्ट स्टोरी थी वो इसके बाद शुरू होती है और इस फिल्म को बनाने में मुझे इसलिए सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि जो एक एनर्जी थी सेट के ऊपर सुनील राधिका सानिया नमित अभिषेक विजयराज विजयराज जी स्पेशली वाह 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 तो बहुत हम लोगों ने इतना मज़ा किया और यू नो आई वेंट बैक टू माय अर्लियर डेज जब मैंने मकड़ी बनाई ब्लू अम्ब्रेला बनाई स्पेशली मुझे मकबूल बहुत याद आती थी वहाँ जिस तरीके से हम लोग काम करते थे और जिस तरह से हम लोग एक जगह में रहते थे तो ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे शायद मेरे ऊपर बहुत एक काफ़ी सालों से मैं स्टार्स के साथ काम करता आ रहा था स्टार्स इन द सेंस जो कि स्टार्स का बैगेज हाँ हाँ सर बोल दो अभी जो है सच्चाई बोल दो अभी मिन द सेंस सर ने बोला स्टार्स का काफी मेरी तरफ देखा कहते हैं स्टार इन द सेंस हाँ हाँ बोलो सर बोलो जो दिल में बोलो नहीं नहीं देखो एक ही स्टार था वो तो सुनील और अरे सर नहीं नहीं अभी राधिका अभी राधिका अभी भी सब जगह जहां होता है कि अरे इस प्रोग्राम में इवेंट में प्रमोट करने जा रहा है सुनील तो है नहीं तो लेट करो सुनील कब वापस आ रहे 28 को पर हमारा लेट हो जाएगा नहीं सुनील के बिना हम नहीं कर सकते तो सारी मार्केटिंग टीम या अरे मैं बैठा घर पे ही था मैं कह देता हूँ उससे क्या थोड़ा इम्प्रेशन मुझे पड़ता है तो सुनील के बिना कुछ भी हमारा नहीं हो सकता है तो ये मुझे जो लिब्रेशन हुआ आई फील सो लिब्रेटेड आफ्टर मेकिंग दिस फिल्म और ये फिल्म हमने 30 दिन में पूरी की है और बहुत बहुत ही ज़्यादा और ये लगा कि ये पूरी क्यों हो गई और कब पूरी हो गई ये भी पता नहीं चला क्योंकि वी ऑल मिस ईच अदर पहले इस फिल्म का इसके टाइटल को लेके एक बड़ी शायद आप लोग पूछेंगे भी बट पहले इसका नाम कुछ और था तो वो मैंने छुरियां नाम था इसका पर हर कोई उसको ये बोलता था कोई बोलता था चोरियां हैं कोई बोलता था छुरियां हैं मेरा अकाउंटेंट मेरे पास आता था रोज़ साइन कराने के लिए चूड़ियां में से पैसे निकाल लें सो मैं इतना इरीटेट हो गया था कि मुझे इस फिल्म का टाइटल बदलना है और मुझे लगा जब मुझे पटाखा टाइटल सूझा तो राधिका के अलावा सबको पसंद आया था फिर सर ने तुरंत डिसाइड कर लिया कि हाँ अब तो पटाखा ही होगा तो बहुत बहुत मुझे लगता है टाइटल उसके बाद फिर गुलदार साहब ने जब मैंने गुलदार साहब से बाउंस किया तो हम लोग दिल्ली में थे और रात को हम लोग डिनर पे बात करे तो मैंने एक्चुअली सोचा था पटाखे तो गुलदार साहब ने मुझे थोड़ी देर बाद बोला कि इसका नाम पटाखा रखो और ये मुखड़ा देखो कैसा है दाएँ पटाखा बाएँ पटाखा बाजे दाएँ 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 पटाखा उन्होंने बोला बस प्रॉब्लम एक ही है ये सिर्फ पाकिस्तान में पटाखा बोलेंगे यहाँ सब पटाखा बोलेंगे फटाखा बोलेंगे तो क्योंकि पंजाब में तो फटाखा कहेंगे
तो उसका जो सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो सिर्फ पाकिस्तान में होगा. तो मैंने कहा वो भी अच्छा, वो भी हमारी फिल्म का ही थीम है, पाकिस्तान और हिंदू, हमारी दोनों बहनें पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो बहनों की तरह हैं, तो वही लड़ती रहती हैं ऑन स्क्रीन भी और बॉर्डर पे भी. तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा थीम रहेगा, वहाँ पटाखा बोलेंगे, यहाँ हम सिखाएंगे कि पटाखा बोलते हैं. तो अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं दोनों पटाखों को यहाँ बुलाता हूँ, जिनसे कि मुझे इतनी एनर्जी मिली है सेट के ऊपर एंड मैंने बहुत सालों बाद फिल्म मेकिंग को एंजॉय किया है. और ये जो पहली दो लड़कियाँ हैं जिन्होंने वेट गेन किया है इस फिल्म के लिए, खाया है, वरना लड़कियाँ हीरोइन जो होती हैं वो वेट लूज करती है. अपना चल रहा, देखा, टोल्ड यू आई एम द मेन गर्ल ऑफ द फिल्म. मिलिए बड़की से, इनकी पहली मूवी है तो इनसे ज्यादा उम्मीदें मत लगाइएगा. हा, सो फनी. मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी सेकंड फिल्म विशाल जी के साथ है और तुम्हारी भी दूसरी फिल्म है अभी तक, तुम्हारा कुछ ऐसा नहीं है, बट है तो ना दूसरी है. बहनों के वाली, बहनों के साथ वाली. तुम रहने दो कोई, लेकिन पहली फिल्म है 10 फिल्मों के बराबर थी. क्या बोले, नहीं आप बोलिए. अच्छा मैं बोलूं, मैं जब इन्होंने भी अपना बताया कि जब सर का कॉल आया तो मेरी मैनेजर का भी मुझे कॉल आया था और तब मैं एक और फिल्म का शूटिंग कर रही थी दिल्ली में. तो उन्होंने बोला कि विशाल जी एक फिल्म बना रहे हैं, तो मेरे दिमाग में फिल्म तो बना रहे हैं. तो उन्होंने बोला कि वो तुम्हें ना उसके लिए टेस्ट करना चाहते हैं. मैंने कहा टेस्ट तो करना चाहते हैं, मतलब कर देंगे, अभी मिले ना मिले कोई बात नहीं, विशाल जी के लिए तो टेस्ट करना पड़ेगा. पर मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि सर आप मुझे फिल्म में ले लोगे. मुझे ये था कि अभी मतलब व्हाई मी. पहले सर के दिमाग में भी नहीं था टेस्ट से पहले, वो तुम्हारा टेस्ट देखने के बाद उनके दिमाग में आया. नहीं, और जब मैंने वो तीन सीन मैंने पढ़े और मैं पढ़ के बहुत खुश हुई, क्योंकि छुटकी आई थिंक मैं बाहर से तो ऐसी हूँ पर अंदर से मैं बिल्कुल छुटकी हूँ. और ऐसी लड़ाइयाँ कुतिया खुजली वाली मैं हमेशा से करना चाहती थी. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट. और रही बात बड़की की, वो बस आ गई. मैं आपको अपना, तुम्हारी तरह नहीं, हमारे पास सेट पे स्क्रिप्ट्स नहीं आती थी, हमें मेहनत करना होता था, ऑडिशंस देने होते थे. मैंने भी दिया है. ओह प्लीज. सो मेरे तीन राउंड हुए हैं ऑडिशंस के भाई. तीन राउंड पहले दो में मैंने पार कर लिया काफी लोगों को पिछाड़ के, एंड देन थर्ड राउंड में मुझे विशाल सर मिले. एंड मुझे भी ऐसा लगा था मुझे क्यों लेंगे, करीना कपूर है. बट थैंक यू सर, एक न्यू कमर में अपना बिलीव दिखाने के लिए. एंड आई लव्ड द जर्नी एंड इतना कुछ सीखा है मैंने, एंड कितना कुछ सिखाया है मैंने सान्या को. गुरूर नहीं है बिल्कुल भी. बोल ले बेटा बोल ले. पर बीड़ी पीना किसने सिखाया ये बताओ. बीड़ी पीना मैंने, थैंक यू गाइस, इन्होंने बिल्कुल नहीं सिखाया है, हमने खुद सीखा. ये आते खुद ही है कि मैंने नहीं कहा कि मैंने सीखा. अच्छा विशाल सर, क्या पहली बार क्या बोला था राधिका ने तुम्हें? ओह हाँ, मैं आपसे एक बहुत ही प्यारी बात शेयर करना चाहूँगी. तो मैं पहली बार राधिका से मिल रही थी और मैं जब पहली बार लोगों से मिलती हूँ तो मैं थोड़ा ऐसा सेमी डरी सी होती हूँ. तो मैं वैसी थी राधिका के साथ और राधिका एकदम ऐसी की हाय कैसी हो, ऐसी मिली मुझे और मिलती विद इन 10 मिनट्स शी वॉज लाइक मैं तो तुझे खा जाऊँगी. और मेरे दिमाग में ये था कि हे भगवान ये मुझे क्यों खाएगी, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो उसने ऐसा कुछ बोला. पर फिर मुझे ये बहुत उसके साथ काम करके पता चला कि ये बात ही ऐसे करती है और मतलब Thanks. ऐसी ही है. मेरा बिल्कुल वो मतलब नहीं था, मेरी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन के अंदर यही सब आता रहता है. एंड सान्या ने भी मुझे सेकेंड हाफ से पहले बोला था, मजाक में बोला था. मैंने तो बड़ा सीरियसली स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था तुझे. ओ प्लीज, सेकेंड हाफ से पहले सान्या ने मुझे धमकाया कमरे में बुला के. आगे से कभी ऐसा मत बोल. अंजी नहीं, उसने बोला तू तो गई बेटे, सेकेंड हाफ तो मेरा है. झूठी. तूने बोला और मैं बेचारी वेट गेन की हुई भाग भी नहीं पाई वहां से. ये अभी भी देखिए कैरेक्टर में अभी भी लड़ रही है दोनों ने, अभी हैंगओवर उतरा नहीं है पिक्चर की शूटिंग का. क्या बताएं, लेकिन आप आपका है. अच्छा, बाल नोचने में कितना मजा आया एक दूसरे का, सबको बताना चाहेंगे आप?
क्या ही बताऊं. एक एक जो सीन था जो जब आप गोबर फाइट कर रही थी एक्चुअली जब हम जो माउंट आबू में तो जो चमाट मारी थी आपने तो वो भी वो किस सच में दिल से मारी थी या लग गई थी या क्या. आपको चमाट मैं बताती हूं क्या. तो हमारे फिल्म में एक बेली फाइट हुई जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि चाटे मारे जाएंगे और ज्यादा कुछ नहीं होगा. ठीक है. और पहली फाइट स्टार्ट हुई, राधिका जी ने मुझे लात मारना स्टार्ट किया. एक बारी पड़ी, दो बारी पड़ी, तीन बारी पड़ी और मेरे यहाँ पे मुझे स्पैज़म हुआ. तो मैंने राधिका को साइड ले जाके पूछा, तू लात मारने वाली है या चाटे मारने वाली है? तो उसने बोला कि मैं जो भी आएगा मुझे करेंगे. अब सेकंड फाइट स्टार्ट हुई. अब मैं ये मैं बताऊंगी. ठीक है. मैं ऑलरेडी गिल्ट में थी कि मैंने लाते मार दी उसको. मैंने फर्स्ट फाइट में खा भी लिया था उसका बदला, इसने ले लिया था तभी. सेकंड फाइट हुई तो मैं ऑलरेडी काफ़ी कॉन्शियस थी एंड मुझे नहीं करना था. तो मैं स्टार्ट होती है तो फाइट स्टार्ट होती है, मुझे टर्न करती है और मुझे थप्पड़ लगा दिया खिंचा के. तो मुझे लगा क्या ही कर लेगी, कितना ही कर लेगी. तो मैं जाती हूँ, स्टार्ट होता है, मैं पलटती हूँ, खिंचा के इसने मेरे को एक लगाया, खिंचा के. और पूरा सेट साइलेंट, पूरा सेट. और मैंने खुद से मुझे आगे करना था, मुझे आगे मारना था और मैं सिर्फ शांत थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था. सेकंड फाइट से पहले मैंने इससे पूछा था कि तू चाटे मारने वाली है क्योंकि मैं तो एक्टिंग करूँ. तुझे बोला चाटे तो मैं जरूर मारूँ. तो ये मेरे दिमाग में रह गया कि ये चाटे जरूर मारने वाली है, तो इससे पहले मैं कहूँ मैं पहले ही मार देती हूँ. तो जी हाँ. और ये वो पोस्टर है सेकंड फाइट से पहले का, और ये जो आप देख रहे हैं ये कीचड़ नहीं है, ये असली गोबर है. ये असली गोबर है तो जिसका अलग ही सुकून था शूट करते समय, क्योंकि बारिश हो रही थी और हमें बहुत ठंड लग रही थी. और जब तक हम गोबर में पहुंचे हम दोनों बहुत खुश थे. हाँ. तो हमें लग रहा था हाय हाय गरम गरम गोबर बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं तेरा मुंह डालूंगी गोबर में, अब तू मेरा मुंह डाल. अब हो रहा था कि मेरा मुंह डाल दे यार, मेरा मुंह डाल दे प्लीज यार. और ये बरसात नहीं है, ये गोमूत्र है. ये नहीं पता था मुझे, ये नहीं पता था सर. आने पर लड़ाई से आके एक बार सानिया ने मुझे बोला था कि आप प्लीज कट मत करना, हम लोग मारेंगे एक दूसरे को, तो आप कट मत करना कभी, डर के मारे कट कर दो. हाँ. हम एक दूसरे को मारेंगे डिसाइड नहीं होता कि मैं मारूंगी, इसलिए सोचा था, बोला था एक दूसरे को मारेंगे मैं मारूंगी. और राधिका चुपचाप खड़ी रहेगी और सेट पूरा चुप होगा कि अब क्या होगा. पर बहुत मजा आया. जितना मेरे को फ्रस्ट्रेशन था राधिका पे, वो खा जाए वाली बात पे मैंने सारी फाइट. और जब आप फिल्म के सेकंड हाफ के लिए जब आप तैयार हुई, ऐसा बड़ा कम रेयर होता है कि मैं कोई भी लड़की सिर्फ खाती है सेट पे. मैंने ये देखा जब भी शॉट नहीं है तो वो सिर्फ खा रही है. इन दोनों का काम था सिर्फ खाना. विशाल सर ने इस वजह से एक महीना ब्रेक लिया कि ये सिर्फ खाएंगी और वजन बढ़ाएंगी. तो वो अनुभूति कैसी थी आप लोगों की? एक्चुअली लोग डरते थे कि हमें यूजुअली होता है कि यू नो आई हैव स्टार्टेड गेनिंग वेट एंड यू नो आई नीड टू वर्क आउट एंड दिस एंड दैट. बट ये पहला सेट था जहाँ पर लोग टेंशन में आ जाते थे कि एक किलो पतला हो गई है, एक किलो पतली हो गई, इसको क्या करें, शिट क्या करें, क्या करें, खाना लाओ खाना लाओ खाना लाओ खाना लाओ. ये पहला सेट था जहाँ पर ऐसा होता था. और हमें भी लगता था हाँ यार, हमें टेंशन होती थी कि हम कैसे लूज कर रहे हैं यार, क्यों इतना खा रहे हैं हम, हाँ यार मैं पतली लग रही हूँ ना. नहीं यार मोटी लग रही है. बट बहुत मज़ा आया. और मुझे लगता है दंगल से पहले मैं काफ़ी अनहेल्दी थी. मैं रोज़ पिज्ज़ा खाती थी और कुछ ना कुछ खाती रहती थी. वो दंगल के बाद मुझे ऐसा फिटनेस का चढ़ा चस्का. मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया. बट मेरा मैं हर दिन अगर मैं कुछ भी फॉलो कर रही होती थी डाइट, मैं हमेशा चीट करती थी. पर मुझे लगता है ये पटाखा के इस बाद अपने डाइट पे बिल्कुल चीट नहीं किया, क्योंकि मैंने एक महीना बहुत खाया और जम के खाया. और कितना मज़ा, मतलब सेट पर 6 पैनकेक आ रहे हैं, अब फ्रेंच फ्राइज आएंगे, अब सैंडविच आएगा, अब हम थोड़ा शेक वेक पी लेते हैं. बहुत बहुत मज़ेदार. डर लगता था लोगों को अपनी प्लेट व्लेट बजाना कि कुर्सी में ही ना खानी शुरू कर दें. सिर्फ 6 रसगुल्ले आए हैं डिजर्ट के लिए, 6 में मेरा क्या होगा. और फिर क्योंकि फिल्म की स्टोरी की डिमांड थी कि हम लोग फिल्म में 5 साल बाद कट करते हैं, तो उसमें दिखाना था कि ये इन लोगों का 5 साल बाद इनकी क्या हालत हुई है ससुराल में और पतियों के साथ जिनके साथ ये भागी थी. तो अब इनके पतियों को जरा बुला के पूछना चाहिए. पर विशाल सर एक सवाल उससे पहले, आप देखिए आप डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, आप लिखते भी हैं, आपने कहानी भी डायलॉग्स भी लिखे हैं, म्यूज़िक भी देते हैं आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो एक्टिंग कब कर रहे हैं सर आप अभी?
बहुत ही बुरा एक्टर हूँ, इन लोगों ने एक शॉट करवाया जबरदस्ती मुझसे, जो होगा सर जो है सर ने बहुत, आप सब देखेंगे विशाल सर का डेब्यू इन पटाखा। मेरा बहुत बुरी हालत थी मेरी, तो मुझसे जबरदस्ती इन लोगों ने लास्ट शॉट एक कराया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप और सर ने उस चक्कर में एक सीक्वेंस ही ऐसा बना दिया कि सब लोगों के मुंह पे रंग लगे हुए हैं, कहते हैं खुद रंग लगा के आए क्योंकि मैं कम से कम देखूं, लेकिन आप दिखे और बड़े अच्छे दिखे सर। हाँ तो आप इनके क्या बता रहे हैं? मैं बहुत ही बुरा एक्टर हूँ, मैं एक्चुअली कैमरे के पीछे आई एम ए डिफरेंट पर्सन, कैमरे के सामने आती है मेरा कुछ दूसरा हो जाता है, जो मुझे आप लोगों से सीखना, मैं नहीं सीख पाया कभी वो चीज़। सर क्या बात, क्या पर कैमरे के पीछे मुझे आता है कैमरे के पीछे तो सर। चलो सर, तो डिपर का कैरेक्टर आप ही कर रहे होते तो मैं क्या कर रहा होता। तो माय इंग्लिश टीचर फ्रॉम इंडियन आर्मी विष्णु एंड मेरी नाच उतारने वाला और नमित दास जग्गू जी, अभिषेक दोहान एंड नमित दास प्लेड विष्णु एंड जगत। फैमिली फोटोग्राफ। सुनील कुछ पूछना है पतियों से? हेलो, कम क्लोज। कैसा लगा पति बन के? कैसा लग रहा है नमित जी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे लिए, मैं मतलब अभी भी ये मेरा ख्वाब है जो मैं जी रहा हूँ अभी, जो मैंने बहुत छोटा था मैं स्कूल में, मुझे आज भी याद है, एक सिक्स स्टैंडर्ड में टीचर्स आपस में पूछते हैं कि मतलब खाली पीरियड था तो सबसे क्या बनना है, तो मैं हरियाणा से हूँ तो किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, तो अचानक से मैं खड़ा, मैं कहा जी एक्टर बनना है, मैंने कहा था पापा बनना है। तो मुझे लगता है कि आप कॉमेडी में पापा बन गए सबके। अरे यू नो आई एम एक्टिंग इन विशाल भारद्वाज फिल्म, नो थिंग्स आर चेंज्ड नाउ, या इट्स अ विशाल भारद्वाज फिल्म, सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या टू लुक चेंजेस एंड ऑल आई हैव एंड येलो टीथ एंड ऑल, या दिस इज प्रोस्थेटिक्स यू सी, प्रोस्थेटिक्स, या ग्रेट सुनील ऑलवेज। सो या तो उस दिन के बाद स्कूल में सब बच्चे जो हैं मतलब हीरो हीरो कह के बुलाने लगे, और उस दिन से लेके आज तक मैंने इस लम्हे का इंतज़ार किया है जो मैंने अभी इन्हें बाहर बोला, मैंने कहा सर आपने मेरा सपना सच कर दिया। मैं जब भी थिएटर में जाता था और ख़ास तौर पे जब मैं विशाल सर की या और कोई भी एक अच्छा सिनेमा जब देखता था तो घर पर जाके रात को वो सिनेमा मेरे दिमाग में चलता था, और स्पेशली इनका, तो लंगड़ा त्यागी से लेके और कबीने तक के सारे किरदार मैंने अपने मन में जिए हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरा नाम अभिषेक दुहन है और मैं हरियाणा से हूँ, आप सब से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अरे अरे, कैन आई चेक योर आईडी? थैंक यू विशाल जी फॉर टेकिंग मी इन दिस फिल्म, एंड दिस फिल्म एक्चुअली मैं नमित का बहुत बड़ा फैन हूँ, नमित का मैंने जब परफॉर्मेंस देखा हैमलेट द क्लाउन प्रिंस, आई मीन आउटस्टैंडिंग, एंड ही इज अ वेरी गुड सिंगर, थैंक यू। और ये चंदन दास जी के बेटे हैं, चंदन दास जी के हम इतने बड़े फैन रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्टर और सिंगर दोनों हैं। थैंक यू जी। आई थिंक इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर मी बिकॉज दिस थ्रू दिस फिल्म I renewed my family ties with Vishal ji and Rekha ji, and who have been such close friends of my mom and mama ji. So it's really, aur ye association jo hai actually kuch ek saal pehle shuru hua tha jab hum log Berkeley mein the aur hum log ek natak pe kaam kar rahe the jo Meera Nair ji ne direct kiya aur usko music Vishal ji de rahe the.